कोरोना की वजह से देश का बड़े से बड़ा कारोबार इस वक्त ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शिक्षण संस्थाएं भी बंद हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ संस्थाओं ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें वे बच्चों को अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान बच सके और COVID-19 के नियमों का भी पालन हो सके। इसी के चलते पीजन हाथरस की टीम आज निमिषा कॉमर्स एकेडमी के डायरेक्टर नीरज शर्मा से मिली, जिन्होंने हमें ऑनलाइन दी जा रही क्लासेस के बारे में जानकारी दी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से हर तरीके से हमारे देश को नुकसान झेलना पड़ रहा है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो। बच्चे जो अपने उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि वो पढ़ें तो कैसे पढ़ें, उनकी जो दिक्कतें हैं उनका समाधान किस प्रकार हो। तो बच्चों की इस समस्या का समाधान करते हुए हम निमिषा कॉमर्स एकेडमी, जो कि हमेशा से हाथरस की एक अग्रणी संस्था रही है शिक्षण क्षेत्र में, मैं बच्चों के लिए क्लास 11th 12th CBSE बोर्ड अकाउंट्स BST इकोनॉमिक्स BCOM तथा CA फाउंडेशन एवं CS फाउंडेशन की कक्षाएं आप ऑनलाइन मोड में शुरू करने जा रहे हैं, ताकि बच्चा घर बैठे उच्च शिक्षण प्राप्त कर सके, उसे समस्याओं का निराकरण हो सके। हमारा प्रयास है कि अब बच्चे को घर पर ही वो सब कुछ मिल सके जिसकी उसको आवश्यकता होती है, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे रह सके। हम आभारी हैं PDN न्यूज़ के, जो हमारी इस पहल में हमारी मदद कर रहा है, हमारी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस महामारी से बचने के लिए घर में रहेंगे, सरकार का पूरा समर्थन करेंगे, और जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से PDN न्यूज़ का धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो हमारे इस काम में और समाज की भलाई के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद।